अगर आप अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं हर सिचुएशन में, तो आपको इन रूल्स को अप्लाई करना चाहिए अपनी लाइफ में। आज से ही इनको अप्लाई करना स्टार्ट करें। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम पल्लवी बत्रा है और मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ। इस चैनल पर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियोज़ डालती हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तो आज की जो वीडियो है हमारी, वो पूरी और पूरी डेडिकेटेड है हमारी हैप्पीनेस को, हमारी पर्सनल इनर हैप्पीनेस को। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी पर्सन इस दुनिया में, वो सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल है, उसकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं। कोई मिलियनेयर भी है, कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी भी है, उसकी लाइफ में भी नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। तो हम कभी भी अपने लेवल पे रह के जज नहीं कर सकते कि अगर सामने वाले पर्सन के पास इतना पैसा है, उसके पास ये सारी चीज़ें हैं, या उसके पास अच्छा परिवार है, या उसके पास अच्छे रिलेशंस हैं, तो वो खुश ही होगा, उसको खुश ही रहना चाहिए। हैप्पीनेस एक कला है, एक आर्ट है, जिसको आपको सीखना पड़ेगा कि आपके पास जो भी है आप उसके साथ कैसे खुश रह सकते हैं। हर किसी की लाइफ में कमियां भी होती हैं, हर किसी की लाइफ में अच्छी चीज़ें भी होती हैं, पर हमारा जो नज़रिया है वो डिसाइड करता है कि हम कितना ज़्यादा खुश रह पाएंगे। अब इसके एक एग्जांपल लेते हैं। जब हम बचपन में होते हैं, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं होती ना, हमारे बहुत बड़े गोल्स होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमारी लाइफ में करना क्या है, पर फिर भी हम उस टाइम पे खुशी का एहसास करते हैं। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो बचपन के कंपैरिजन में हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, फैमिली भी होती है, रिस्पेक्ट भी होती है, हमारे पास जॉब भी होती है समटाइम्स, पर कुछ ना कुछ चीज़ों की वजह से हम अपनी पूरी लाइफ को ऐसा सोचते हैं कि खुश रहने का कोई रीज़न ही नहीं है मेरे पास। तो ये डिपेंड करता है आपकी मेंटल स्टेट के ऊपर कि आप कितना फोकस्ड हैं अपने आप को हैप्पी फील करवाने के लिए। तो उसके कुछ रूल्स हैं, अगर आप उनको अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली हैप्पी रह पाओगे। तो पहला रूल क्या है, आपको हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए मेडिटेशन इज़ द बेस्ट वे। मेडिटेशन करिए जितना हो सके, आपको उसको स्टार्ट करना चाहिए। तो जब आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा अनईजी लगता है, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, पर आप जब मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको उसमें मज़ा आना स्टार्ट हो जाता है। तब आप अपने ट्रू सेल्फ से मिलते हैं। तो मेडिटेशन को आप स्टार्ट करिए। मेडिटेशन में आपको बेसिकली स्टार्टिंग में आपको एक गाइडेड मेडिटेशन का यूज़ करना चाहिए। मैं अपनी ओर से आपको बता दूँ, अगर आप बिगनर हैं तो आपको गाइडेड मेडिटेशन को यूज़ करना चाहिए। उसमें जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं आपको बस उनको फॉलो करते जाना है। तो उसके लिए आप योग निद्रा से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी आपका फोकस ब्रीदिंग के ऊपर होता है। तो मेडिटेशन करिए, 5 मिनट से स्टार्ट करिए, गाइडेड से स्टार्ट करिए, और आप देखोगे कि आपकी जो परेशानियाँ हैं आपकी लाइफ, चाहे उसमें कुछ चेंज होना हो, पर आपके अंदर बहुत अच्छा और पॉजिटिव चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। मेडिटेशन इतनी पावरफुल है। तो मेडिटेशन करके आप अपने माइंड को रिलैक्स करिए और अच्छे कंडीशन में आप फिर फोकस कर पाएंगे अपने गोल्स के ऊपर। एक डिस्टर्ब्ड माइंड कभी भी फोकस नहीं कर सकता, कभी भी विजुलाइज नहीं कर सकता कि वो क्या चाहता है, क्लैरिटी नहीं आएगी आपके मन में। तो पहले तो आपको मेडिटेशन करनी है। दूसरी चीज़, हमेशा जो चीज़ें हैं आपके पास, जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटीज़ हैं, उनको लिखिए, अपने मन में उनको रिपीट मत करिए। जब हम बहुत ज़्यादा सैड होते हैं तो एक चीज़ तो क्लियर है कि उस टाइम पे पूरा का पूरा फोकस हमारी लाइफ की नेगेटिविटीज़ के ऊपर है कि मेरी लाइफ में ये भी कमी है, ये भी कमी है, ये भी अच्छा नहीं है, वो भी अच्छा नहीं है। इसको बजाय कि अपने मन में रिपीट करने के, पेन पेपर लो, उसके ऊपर लिखो कि मेरे पास क्या क्या है। आपके पास अगर कुछ भी नहीं है मान लो, तो क्या आपके पास अभी ये लाइफ तो है ना, कि जिसमें आप अभी भी कुछ कर सकते हो। आपके पास अभी भी दिन है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो, अपने ऊपर काम कर सकते हो। तो अपने, जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं तब हमें एक्चुअल में पता चलता है कि हमारी लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव है, और उसके ऊपर जब हमारा फोकस जाता है तो हम ग्रेटफुल होना स्टार्ट होते हैं। और हैप्पी पीपल जो होते हैं वो हमेशा ग्रेटफुल होते हैं, कभी कंप्लेन नहीं करते। तो उस कंप्लेनिंग मोड को हम कैसे छोड़ेंगे, कैसे हम उसमें से बाहर आ सकते हैं, लिखिए कि आपकी लाइफ में कौन सी पॉजिटिव चीज़ें हैं, उनको लिखना स्टार्ट करिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़, आपको हमेशा अपने सराउंडिंग्स का ध्यान रखना है कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं, आप जिनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो क्या वो आपकी एनर्जी बढ़ा रहे हैं या ड्रेन कर रहे हैं, क्या वो हमेशा अपनी मुसीबतें ही शेयर करते जा रहे हैं, या आपके लिए भी कभी पूछ रहे हैं कि आप कैसा फील करते हो, या आपके मूड को ठीक करने के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो ज़्यादा भीड़ का फ्रेंड सर्कल मत रखिए,
चुनिंदा फ्रेंड्स रखिए जिनके साथ आप सच में अपने आप को वाइब्रेशन लेवल पे हाई फील करवा पाएँ। तो उन ऐसे फ्रेंड्स को चूज़ करिए, अपने फ्रेंड सर्कल को बहुत वाइजली चूज़ करिए कि कैसे लोगों के साथ आप रहना चाहते हैं, वैसा ही आपका एनवायरनमेंट बनेगा, इनर आपके थॉट्स वैसे ही चलेंगे। और जितना आप अपने कंप्लेंट्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं उतनी ही वो ज़्यादा और बढ़ती है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, जितना हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं और बात करते हैं उतना ही वो हमें और रिटर्न में मिलता जाता है। तो ऐसे फ्रेंड्स को चूज़ करिए जो आपके मूड को पॉजिटिव शिफ्ट करने में आपकी हेल्प करें, और उन लोगों से थोड़ी दूरी बना के रखें जो खुद भी बहुत नेगेटिव फील करते हैं और आपको भी नेगेटिव फील करवाते हैं। इसके अलावा आप बहुत बार हमारे दुखी होने का रीज़न क्या होता है, हम जो काम कर रहे होते हैं, हम जो जॉब करते हैं, अपना बिज़नेस करते हैं, हम उसमें खुश नहीं फील करते। हम ऐसा सोचते हैं कि मुझे कुछ और करना है पर मैं ज़बरदस्ती ये काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ। अपने पैशन के ऊपर अगर ज़्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा काम करना स्टार्ट करिए, कि अगर आप ऐसी कंडीशंस में हैं कि आप नहीं कर सकते अपने पैशन को फॉलो, उसके लिए कुछ स्टेप तो ले सकते हैं, आधा घंटा तो उसके लिए निकाल सकते हैं। 24 आवर्स में से आधा घंटा या एक घंटा निकालना आई डोंट थिंक सो कि बहुत मुश्किल है। आपको आधा घंटे के लिए अपने आप पैशन के ऊपर काम करना है और अपनी जर्नी उसके ऊपर स्टार्ट करनी है। आपको पता भी नहीं चलेगा, धीरे धीरे वो चीज़ आपका फुल टाइम जॉब बन जाएगा और आपको सच में उसमें बहुत मज़ा आएगा। जब हम अपनी पसंद के ऊपर काम नहीं करते तो हम बहुत ज़्यादा सैड फील करते हैं कि मैं अपनी लाइफ को ऐसे ही वेस्ट कर रही हूँ। तो अपने पैशन को फॉलो करके उसके ऊपर अपनी एनर्जी लगाइए, उसके ऊपर अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ हमेशा अपनी लाइफ को एक पर्पस के साथ जोड़िए। आप जो भी गोल्स रखते हैं वो आज नहीं तो कल वो पूरे हो जाएंगे। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे गोल्स पूरे हो जाते हैं फिर उसके बाद हम फिर खुश होने की बजाय हम फिर नेगेटिव हो जाते हैं कि अब सारे गोल्स पूरे हो रहे हैं, अब मुझे और क्या चाहिए, व्हाट नेक्स्ट। उसके आगे उस नेक्स्ट को हमेशा एक पॉजिटिव रूप देने के लिए आपको अपने गोल्स के साथ एक पर्पस को भी जोड़ना है। अगर आपका पर्पस अमीर बनना है तो अमीर बनके आप लोगों की क्या मदद करना चाहते हैं, इस वर्ल्ड को क्या देना चाहते हैं, इस सोसाइटी को क्या देना चाहते हैं, अपनी सर्विस कैसा काम करना चाहते हैं, उस काम के थ्रू कितने लोगों को सर्विस देना चाहते हैं, कितने लोगों की लाइफ में चेंज लेके आना चाहते हैं, कुछ ऐसा बड़ा पर्पस हमेशा रखिए। हर एक पर्पस जो है वो एक छोटे से थॉट से स्टार्ट होता है और उसके बाद फिर वो मिलियन लोगों के बीच में पहुंचता है। तो इस तरह अपने आप को एक पर्पस के साथ जोड़िए और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऐसी बुक्स पढ़ना स्टार्ट करिए जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं और उसको डेली चेक करिए कि अपनी लाइफ में उसको कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह जब आप हर एक दिन आधा आधा पेज पढ़ने पे उसकी लर्निंग को अप्लाई करोगे, एक्शन लेवल पे लेके आओगे, तो एक एक दिन का डिफरेंस 365 डेज में कहाँ पहुँच जाएगा, आपकी लाइफ बहुत स्पीड के साथ शिफ्ट होगी और इस तरह आप खुश रह पाएंगे। तो अगर आप इन सब चीज़ों को, इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली अपनी लाइफ में आप खुश रह पाएंगे, बिकॉज आपके पास पर्पस है, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं खुश रहने के लिए, आपके पास अभी भी इतनी नॉलेज अवेलेबल है कि आप अपनी लाइफ को किसी भी मोमेंट में चेंज कर सकते हैं। तो हर चीज़ ऑलरेडी यूनिवर्स में अवेलेबल है, बस उनको सीख के अप्लाई करने का काम आपका है। तो आप कब वो डिसीज़न लेते हैं, चाहे आज लें चाहे कल लें, बट उस डिसीज़न को ज़रूर लें और अपनी लाइफ को चेंज करें और अपनी इनर हैप्पीनेस को फील करें और इस लाइफ में सच में लाइवली होने का एहसास करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना फ्री हीलिंग सेशन लेने के लिए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप लिंक ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।